आइए बढ़ते आगे अगली बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। दिल्ली के जहांगीरपुरी इलाके में सनसनीखेज वारदात का मामला सामने आया, जहां घर में घुसकर महिला को गोली मार दी गई। तीन लड़कों ने हत्याकांड को इस अंजाम दिया है। परिवार की ओर से कहा गया कि बेटी को परेशान करता था नाबालिग आरोपी, बेटी को हॉस्टल में भेजा तो मां को गोली मार दी। इस आरोपी की तरफ से इस पूरी घटना का सीसीटीवी फुटेज भी आपके सामने हम रख रहे हैं। इस वक्त की ये बड़ी खबर आपके सामने है, जहां जहांगीरपुरी हत्याकांड में आरोपी अब तक फरार बताया जा रहा है। पुलिस ने तीन आरोपी जो इस पूरे मामले के, उनकी तलाश तेज कर दी है। सीसीटीवी से आरोपियों का रूट तैयार किया जा रहा है ताकि जल्द से जल्द उन तक पहुंचा जा सके। विवेक शर्मा ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ रहे हैं। विवेक बताइए, इस पूरे मामले में पुलिस कहां तक पहुंच चुकी है, क्योंकि आरोपी अब तक फरार है। देखिए, बात की जाए तो पुलिस की 10 से ज्यादा टीमें जो है वो आरोपियों की तलाश में लगातार छापेमारी कर रही है, और जिस रूट से आरोपी भागे थे उस रूट के सीसीटीवी कैमरों की भी जांच पड़ताल की जा रही है। कई सीसीटीवी फुटेज जो है वो भी सामने आए, जिसमें आरोपी भागते हुए नजर आ रहे हैं। आपको बता दें कि शुक्रवार दोपहर तकरीबन 3 बजे के आसपास एक महिला को उसी के घर में गोली मार दी गई थी। जहांगीरपुरी इलाके के जय ब्लॉक की इसी गले के अंदर इस हत्याकांड को अंजाम दिया गया था। बताया जा रहा है कि 3 बजे के आसपास नाबालिग आरोपी अपने दो साथियों के साथ महिला के घर के अंदर दाखिल हुआ था। वहां पर उसने उसकी बेटी के बारे में जानकारी हासिल करने की कोशिश की। जब महिला ने कुछ नहीं बताया तो आरोपी ने गुस्से में आकर उन्हें गोली मार दी। पुलिस के मुताबिक आरोपी नाबालिग का महिला की बेटी के साथ अफेयर चल रहा था। तकरीबन 1.5 साल से यह अफेयर जो है वो चल रहा था। साल 2023 में जो लड़की है वो लापता हो गई थी, जिसके बाद पुलिस को कंप्लेंट दी गई थी। पुलिस ने दोनों को ढूंढ कर निकाला था, और उसके बाद परिवार की शिकायत के आधार पर पोस्ट। तो अभी दिल्ली पुलिस के लिए सबसे बड़ी चुनौती, विवेक, इन आरोपियों तक पहुंचना जो फिलहाल फरार बताए जा रहे हैं। बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के।